हेलो फ्रेंड्स, रवि चौधरी इज बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल रवि फिटनेस। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्री वर्कआउट मील के ऊपर, कि एक्सरसाइज से पहले हमें क्या खाना चाहिए। और चाहे आपका गोल कुछ भी हो, आप वेट गेन कर रहे हो या वेट लूज कर रहे हो, लीन गेनिंग कर रहे हो या बल्किंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी प्री वर्कआउट मील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई लोगों का एक मिथ भी है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील अच्छी हो तो आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पूरी डाइट जो है पूरे दिन की वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक अच्छी फिजिक के लिए पूरे दिन की डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ प्री वर्कआउट मील या पोस्ट वर्कआउट मील से कुछ नहीं होने वाला। तो मेक श्योर कर ले कि आपके पूरे दिन की डाइट शेड्यूल जो है वो बहुत ही अच्छा हो। उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब और फैट आपके गोल के अकॉर्डिंग हो। तो चलिए बात करते हैं आज की जो प्री वर्कआउट मील है उसके ऊपर, कि टॉप ऐसी 5 प्री वर्कआउट मील बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके वो। बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं कि खाली पेट एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट एक्सरसाइज आपको कभी नहीं करनी। और बहुत से लोगों का कहना ये भी होगा कि भाई हम तो प्री वर्कआउट अफोर्ड कर सकते हैं तो हम प्री वर्कआउट मील क्यों लें। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्री वर्कआउट अफोर्ड कर सकते हो तो आपको प्री वर्कआउट मील की जरूरत नहीं है। प्री वर्कआउट मील लेने के बाद ही आपको प्री वर्कआउट भी कंज्यूम करना है। आप कभी भी खाली पेट प्री वर्कआउट का यूज ना करें, या किसी भी तरह का कोई भी कैफीन प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉफी हो, प्री वर्कआउट हो, या कोई भी ऐसा कैफीन प्रोडक्ट आप खाली पेट यूज ना करें कभी भी। आपको कोई ना कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की मील पहले कंज्यूम करना है, देन उसके आधे घंटे बाद आपको कॉफी या प्री वर्कआउट मील या कोई भी ऐसा कैफीन प्रोडक्ट यूज करना है। अदरवाइज आपकी बॉडी उल्टा रिएक्ट करेगी और उससे आपको बेनिफिट तो कुछ नहीं होने वाला, नुकसान जरूर हो जाएगा उसका। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जिम जाएं कभी खाली पेट ना जाएं। ठीक है, आपका बजट अच्छा, आप प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री वर्कआउट मील ना लें। आप एटलीस्ट 2 बनाना लेके भी प्री वर्कआउट यूज कर सकते हैं। और बहुत से मेरे भाइयों का बजट नहीं होता जो प्री वर्कआउट यूज करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप प्री वर्कआउट मील लें और उससे भी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट लेने वाले का ही अच्छा पंप आता है या अच्छी बॉडी बनती है। तो प्री वर्कआउट मील के ऊपर डिपेंड, प्री वर्कआउट के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि फोकस करें अपने प्री वर्कआउट मील के ऊपर, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो पहले तो आप ये जान लें कि प्री वर्कआउट मील क्यों जरूरी है और प्री वर्कआउट मील क्या होता है। प्री वर्कआउट मील जो हम एक्सरसाइज से पहले 40 से 45 मिनट पहले हमें कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे कि एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी को पूरी एनर्जी प्रोवाइड करवा सके वो। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जो कैलरीज होती है हमारी, वो हमारी एक्सरसाइज के दौरान हमें फ्यूल अप करें और हमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो सके और लंबी हो सके। एक्सरसाइज के दौरान हमें किसी भी तरह की कोई इंजरी ना आए और एक्सरसाइज करते समय हमें थकान ना हो किसी भी चीज़ की। तो इसलिए प्री वर्कआउट मील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी प्री वर्कआउट मील है जो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, जो पहला प्री वर्कआउट मील होगा आपका, बहुत ही पुराना ट्रेंड है और ओल्ड स्कूल प्री वर्कआउट मील भी कह सकते हैं इसको, कि लोग जो बहुत पहले से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। उबले हुए आलू, 2 उबले आलू और साथ में दही, थोड़ा सा काला नमक, बहुत ही अच्छा सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट का और एक्सरसाइज के दौरान आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराता है ये। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा प्री वर्कआउट मील हम बताएंगे आपको, जो कि होगा अपना दही और वाइट राइस। दही और वाइट राइस में थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं, ये भी सेम है, इसी तरीके का प्री वर्कआउट मील है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। तो तीसरा जो प्री वर्कआउट मील होगा वो होगा 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, थोड़ा सा 10 ग्राम के अप्रोक्स, या 2 टेबल स्पून पीनट बटर और 1 बनाना। ये प्री वर्कआउट मील भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो तीसरा प्री वर्कआउट मील मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं चौथे प्री वर्कआउट मील की। तो जो चौथा प्री वर्कआउट मील होगा वो होगा 4 एग वाइट, 2 होल एग और 1 एप्पल। इस प्री वर्कआउट मील में आपको कार्ब के तौर पे एप्पल है और अपना जो एग वाइट है वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा पूरी मात्रा में। और देन जो 2 आपको होल एग बताए थे उसमें अच्छे अमाउंट में फैट होता है, जो गुड फैट है वो भी आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई मेरा भाई है जो एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट मील अपने साथ कैरी नहीं कर सकता,
कोई ऑफिस से आ रहा है या किसी पास घर में है, वो टाइम नहीं मिल पा रहा क्या जाए प्री वर्कआउट मील प्रिपेयर करने का, तो सबसे इजी और कन्वीनियंट है, बट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और ये कन्वीनियंट बहुत है। आपको क्या करना है, एक स्कूप वे प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ 50 ग्राम ओट्स और एक बनाना, 300 ml पानी के साथ आप इसको ब्लेंड कर लें, शेक कर लें अच्छे से और इसको कंज्यूम करके आप एक्सरसाइज करने जाएं। इसके बाद भी आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, इसमें आपको प्रोटीन कार्ब और फैट तीनों चीज़ मिल जाती है। मेरा पर्सनल बेस्ट जो है, मैं प्री वर्कआउट मील में यही कंज्यूम करता हूँ, एक स्कूप प्रोटीन, 50 ग्राम ओट्स और एक बनाना 300 ml वाटर के साथ शेक करके अच्छे से इसको पी के जाए। एक्सरसाइज के दौरान आपको बहुत ही अच्छा पंप एनर्जी, और आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा एक्सरसाइज के दौरान कि नहीं मैं थक गया हूँ या फिर मुझसे एक्सरसाइज नहीं लग रही। एक अच्छा वर्कआउट होगा इससे और लंबा वर्कआउट कर सकेंगे आप, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी वर्कआउट करने में। और ऐसा नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्री वर्कआउट मील जरूरी है, पर सिर्फ प्री वर्कआउट मील से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो प्री वर्कआउट के साथ साथ आपको पूरे दिन का जो मील प्लान है वो भी आपको अच्छे से खुद को डिजाइन करके और शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा आपको, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपका गोल जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेनर ने या जिसने भी आपको डाइजेशन जो भी है जिसने भी आपकी डाइट शेड्यूल बना रखा होगा वो डाइट को आप फॉलो करें, सिर्फ प्री वर्कआउट मील के ऊपर डिपेंड ना रहे। कि ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट मील ले लिया आपने एक्सरसाइज करने चले और आपकी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे दिन के अंदर आप कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट इनटेक कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मेक श्योर करें कि आपकी पूरे दिन की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन फैट है वो अच्छे अमाउंट में हो, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज और ज़्यादा अच्छी हो और रिकवरी भी आपकी अच्छी हो सके, जिससे कि आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना ना भूलें आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग रवि फिटनेस।